झरिया थाना क्षेत्र के सिंहनगर बस्ती में गुरुवार की रात्रि करीब 9 बजे आग लगने से दो दुकान व गैराज में रखे एक आल्टो कार जलकर खाक हो गए। अगलगी में करीब 3 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंचे झरिया फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि झरिया सिंहनगर निवासी दुकान मालिक बट्टेश्वर पांडे के किरायेदार मोहम्मद मुस्तफा का सीट मरम्मत का दुकान व मोहम्मद मोइन अंसारी का गैराज का दुकान था, जिसमें आग लग गई। आग देखते ही देखते फैल गई, फैलकर बगल के बटेश्वर पांडे के गैराज तक पहुंच गई। गैराज में रखे आल्टो कार आग के चपेट में आकर जलकर खाक हो गए। वहीं मोहम्मद मुस्तफा के दुकान में रखे करीब 1.5 लाख रुपए के रैक्सीन जलकर स्वाहा हो गए। वहीं मोइन अंसारी की बात करें तो उनके गैराज में वाहनों के पार्ट्स व अन्य सामान भी जल गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। वहीं झरिया थाना पुलिस की गश्ती दल मौके पर पहुंच गई थी। कितना नुकसान हुआ? 5-6 लाख। अच्छा, कैसे सूचना मिला? कहते जरिया सब बालों सब कॉल करने लगा, कहाँ 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 कहाँ।